आज मुझे बता दू प्रसन्नता है कि हमारे युवाओं के लिए रॉक स्टार दर्शन जी आज भोपाल की धरती पर हैं। मैं भोपाल में उनका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। आज शाम को वो परफॉर्म करने वाले भी हैं और युवा उनके परफॉर्मेंस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत। आज मेरी जब उनसे चर्चा हो रही थी तो हमने यूथ पॉलिसी के बारे में बात की। यूथ पॉलिसी में हमने ये भी तय किया है कि जो कलाकार हैं, चाहे वो अच्छे गायक हों, संगीतकार हों, नर्तक हों, लोक कलाएं भी अनेकों प्रकार की मध्य प्रदेश में हैं, वैसे बच्चों को हम फेलोशिप देंगे। लेकिन आज मेरे दिमाग में आया कि हमको टैलेंट सर्च और करना चाहिए। गाँव से कस्बों से भी अच्छे गायक निकल रहे हैं, अच्छे कलाकार निकल रहे हैं। अगर प्लेटफॉर्म ठीक मिल जाए तो हमारे बच्चे कमाल कर सकते हैं। बल्कि आज दर्शन जी से मैंने आग्रह किया कि कोई हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए संस्कृति विभाग के साथ मिल के, कि जैसे हम स्पोर्ट्स मीट करते हैं, प्रतियोगिताएँ करते हैं खेलते हैं, वैसे गीत संगीत की प्रतियोगिता भी की जाए जिससे बच्चे निकलें और उनको आगे बढ़ने में हम मदद कर पाए। एक बार फिर मैं दर्शन जी का स्वागत करता हूँ। हमें संग रहना है बहनों, एक बार मेरे साथ गाओ। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है सारी उम्र। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। हम सब भी सम्मिलित हो अपनी जोरदार तालियों के द्वारा इस उपक्रम में। आइए जोरदार तालियों के माध्यम से को लेकर, अपनी पीड़ा को लेकर, तो जिनके जीवा से, जिनके मुखारविंद से कभी ना। जिला प्रशासन द्वारा जिले की विकास पुस्तिका तैयार की गई है, जिसमें सीधी जिले के 20 वर्षों के विकास का संकलन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इस विकास पुस्तिका। मंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें अपने प्रिय भाई का, नारायण भाई का, जो अपनी बहनों से मिलने के लिए यहाँ सीधी असंभव शब्द नहीं है। जिनके पास कोई जाए